हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को एमएस पावर पॉइंट में कैसे प्रेजेंटेशन किया जा सकता है, कैसे एनिमेशंस किया जा सकता है, कैसे स्लाइड शो किया जा सकता है, कैसे ट्रांजिशंस किया जा सकता है। सबसे इजीएस्ट वीडियो आप लोग यूट्यूब में इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। और शुरू करने से पहले ही देख लो कैसा काम मैं कर सकता हूँ। तो देखो कितना ओपी वाला एक प्रेजेंटेशन आप लोग यूट्यूब के इंट्रो बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, कंटेंट्स बना सकते हो, प्रेजेंटेशन ऑफिस के लिए बना सकते हो और भी बहुत सारा कुछ बना सकते हो आप लोग ऐसे आपके मन मर्जी। तो सीखने के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग क्या करोगे, एक नया वाला स्लाइड सिलेक्ट करोगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले से पहले आप लोग डिजाइन देखो, ऊपर डिजाइन है, डिजाइन में आ जाओ। आने के बाद ये ब्लैक वाला या आप लोग का मन मर्जी ये वाला सिलेक्ट कर लो। ओके, इधर लिखो YouTube, मतलब आपका जो टॉपिक है। उसके बाद इधर नेम लिख दो, मैं मेरा नेम लिखता हूँ, देखो कितना बढ़िया वाला। ओके, देखो हो गया। ये वाला आप लोग अगर चेंज करना चाहते हो, इधर आओ, चेंज कर दिया, फॉन्ट चेंज किया, इसका साइज अगर बड़ा करना है इधर आओ, बना दो बड़ा, हो गया। इसके बाद एक नया वाला स्लाइड लेने के लिए इधर आके राइट क्लिक करना। ओके, फिर से देख लो, इधर आके राइट क्लिक, न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड में जाओ, हो गया नया वाला। अब ए वाला पेज का डिजाइन थोड़ा अलग करना चाहते हो, इसको क्लिक करो, डिजाइन में जाओ, इधर दबाओ, इधर दबाओगे तो सारे के सारे देखो चेंज हो जाएगा। तो बैक में आओ, डिजाइन में आओ और इधर क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, सिलेक्टेड स्लाइड्स करोगे तो अलग अलग होगा। देखो इधर और एक करता हूँ, इसके बाद जब डिजाइन में जाऊंगा अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स, देखो तीन अलग अलग हो गया ना। ऐसे और एक बना सकते हो, डिजाइन में आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो चारों चारों अलग अलग स्लाइड्स। ओके ओपी। तो इधर क्या लिखोगे, हेलो गाइस, ओके इधर लिखो हाय, ज्यादा कुछ नहीं अब सिखाऊंगा। इधर देखो कुछ कुछ लिख दो, कॉलेज, मतलब आप लोग इधर कंटेंट लिखना। आप लोगों को तो इधर से होम में जाके आप लोग डिजाइन भी सेट कर सकते हो। इधर ये लिखा, एंटर मारा, ये लिखा, एंटर मारा, ये लिखा, एंटर मारा, ये लिखा, एंटर मारा। ओके, इसके बाद इधर आ, इधर कुछ भी लिख दो, कुछ भी कंटेंट लिख दो आपका मन मर्जी। देखो कितना बढ़िया लगेगा ना, कुछ भी लिख दो आप लोगों का, जल्दी सिखाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। हो गया, जब आपका कंप्लीट हो गया, आप क्या करना है, पहले वाले टाइप में ऊपर में क्लिक करो, एनिमेशंस में जाओ, इधर देखो कस्टम एनिमेशंस में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद क्या करना होगा, देखा कितना अच्छा से हो जाता है। राइट में कस्टम एनिमेशंस में इधर आओ। ओके देखो कितना तगड़ा वाला, इधर ऑल टाइम आफ्टर प्रीवियस कर दे, सिलेक्ट कर देना। ओके, इधर आफ्टर प्रीवियस, सब कुछ में आफ्टर प्रीवियस सिलेक्ट कर देना। ओके, इधर देखो इफेक्ट में आओ, बॉक्स जैसा आओ, इधर आओ, सॉरी अब इधर आओ, इसको भी आफ्टर प्रीवियस कर दो, मीडियम कर दो, स्पीड आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, कभी कभी लैग करता है ना, थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखो इसके बाद देखो इधर आओ, कितना तगड़ा वाला हुआ ना। इसके बाद स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, इसको थोड़ा फास्ट कर दो, ठीक है। इसको देखो इधर आओ, चेकर बॉक्स, ओके। थोड़ा लैगिंग होता है मेरा कंप्यूटर में, फ्लाइन उड़ उड़ के आएगा, कितना तगड़ा वाला हो गया। ओके आप लोग सीखे। और सभी के बाद में देखो एक काम करना, आफ्टर प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, इसमें भी आफ्टर प्रीवियस लगा देना। आफ्टर प्रीवियस का मतलब होता है ऑटोमेटिकली इसके बाद ये आएगा, उसके बाद वो आएगा, उसके बाद वो आएगा। समझ में आया कुछ आप लोग को? अब इधर आप लोग देखो, अच्छा से हो गया। लास्ट में क्या, कुछ भी नहीं, सेव एज में जाओ, एक फोल्डर सिलेक्ट करो, ऑल टाइम डेस्कटॉप में ही सिलेक्ट करना, तो ढूंढने में आसानी आएगी। देखो पावर पॉइंट नाउ लिख देता हूँ,
ढूंढने में आसानी होगी। हो गया सेव, कट देता हूँ, कट देता हूँ, इधर आ। अब देखो नाउ, अभी जिसको सेव किया था चेक करो, अब चेक करो, देखो स्लाइड में आ, देखते जाओ हुआ कि नहीं, अब दिखाता हूँ कैसा हुआ, देखते जाओ, जस्ट देखते जाओ कितना तगड़ा वाला हुआ। आप समझ में आया आप लोगों को प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है? तो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि पूरा यूट्यूब में इतना आसानी से वीडियो बना के कोई सिखाया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक वीडियो के लिए। आप लोग कमेंट करो क्या सीखना चाहते हो।